अल्लाह वेलकम टू माई चैनल कैसे हैं आप सब आई होप यू विल भी फ़ाइन और दुआ है आप जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें हंसते मुस्कुराते हैं रहें खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें तो प्लीज़ जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें तो आज हम लेके आए हैं एक झटपट बन जाने वाली रेसिपी जिसका नाम है मैक्रोनी जो हर घर में बनती है सबकी मोस्ट मोस्ट फेवरेट है उसके लिए हमें इग्रीडियंट्स चाहिए टू अनियन टू टोमेटो टू और कुछ सात सात ग्रीन चिली और उसके बाद हमें वन स्पून चाहिए जिंजर और वन स्पून हमें चाहिए गार्लिक पेस्ट ये हमने चिकन जो है वो उसके अच्छी तरह वॉश करके क्यूब्स बना लिए हैं इसको हमने अलग से रख लिया वॉश करके ये हमने बनाया है इमली का पल्प जो हमने पानी में डाल के इसको बॉईल किया और उसकी गुटलियाँ अलग कर ली और पल्प को हमने सेपरेट कर लिया तो चलें जी लेट स्टार्ट मैकरोनी बनाना स्टार्ट करते हैं ये हमने उसका पेस्ट जो बनाया था अनियन गार्लिक चिली और अनियन टोमेटो ये हमने उसका पेस्ट बना के उसको उसमें हमने ऑयल डाला ऑयल डाल के अब हम इसकी अच्छे से करेंगे बुनाई इसको हम गोल्डन कर लेंगे गोल्डन ब्राउन और उसके बाद हम गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हम वन बाई वन इसमें मसाले ऐड करेंगे जो हमने ऑलरेडी पहले से पेस्ट बना के रखा हुआ था तो ये सब की बहुत ही फेवरेट डिश है जब आपका मूड हो तो ये झटपट बन जाने वाली रेसिपी है तो प्लीज़ आप भी मेरे साथ शेयर कीजिए कि आपकी रेसिपी क्या है और कमेंट में बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी रेडी हो के और ये बहुत ही प्यारी खुशबू आने लग भी गई है ये हमने इसको ब्राउन करना है इधर ये ब्राउन हो गया है क्योंकि इसकी खुशबू से पता चल रहा है मुझे तो बहुत ही अच्छी आ रही है इसकी खुशबू तो अब हमने जो क्यूब्स रखे हुए थे वाश करके वो अब हम इसमें ऐड करती है चिकन को साथ ही ऐड कर देंगे इसके ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए अच्छे से भुन जाए इसको हमने आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहना है चम्मच चलाते रहना है और ये हमारे हैं स्पाइसीज हॉट सॉस चिली सॉस और विनीगर ये भी उसी में ऐड होंगी ये है मियोनीज और केचप और साथ हमने स्पाइसिस रखे हुए हैं सॉल्ट क्रश चिली पाउडर चिली हल्दी और गरम मसाला खुश्क धनिया ये सारे स्पाइसेस मिक्स हैं ब्लैक पेपर ये भी हम वन बाय वन उसमें ऐड करेंगे जितना आपने स्पाइसी रखना हो उतने आप ऐड कर सकते हैं एज़ यू लाइक जैसा आपको पसंद हो ये हमने अब वन वन स्पून उसमें ऐड किया है चिली का हमने वन टी स्पून ऐड किया है क्रश चिली चिली पाउडर वन वन टी स्पून और हल्दी भी हमने वन टी स्पून ऐड की है जितना आपको पसंद हो सॉल्ट सम टू टेस्ट अपने टेस्ट के मुताबिक आप ऐड कर सकते हैं जितना आपने उसको स्पाइसी बनाना है जितना आपने उसको लाइट रखना है वो जैसा आपको पसंद हो आप उसके मुताबिक मैं तो इधर बना रही हूँ ना ज़्यादा स्पाइसी होगा और ना बहुत ही लाइट होगा बहुत मज़ेदार सी बनने वाली है मैच्रोनी और बताइएगा किस किस की मोस्ट फेवरेट है ये हमने सॉल्ट ऐड किया और जैसा मौसम प्यारा होता है एक तो पकौड़ों पे दिल करता है और बगैर मौसम के भी मूड के मुताबिक मेकरोनी खाने को दिल करता है जब मूड हो तब बना लें तो जिसको ऑलमोस्ट सभी को आती है जिसको नहीं आती तो वो ये वीडियो फुल वॉच करे और जब मूड हो तब बनाना स्टार्ट कर दे ये हमने ब्लैक पेपर वन टीस्पून ऐड किया और स्पाइसी इसमें ऐड करके इसको अच्छे से है पहले हमने दूसरे स्पाइसीज ऐड किए हैं अब हम इसमें सॉसेज़ ऐड करने लगे हैं वन वन टी हॉट सॉस चिली सॉस और विनीगर जाएगा इसमें तो ये सबसे इजी रेसिपी है बहुत सी रेसिपीज़ देखी हैं बहुत सी वीडियो देखी हैं लेकिन ये सबसे आसान रेसिपी आपसे शेयर की है तो इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करें और फीडबैक मस्ट दें ये देखिए हमारा मसाला जो है वो मेकरोनी का डन हो गया है कितनी प्यारी खुशबू आ रही है और कलर इसका कितना प्यारा है ये मसाला डन हो गया इसमें अब हमने ऐड करना है जो इमली का पल्प हमने बनाया था वो अब इसमें ऐड कर देना है और ये चीज़ आपने याद रखनी है जब मसाला डन हो जाए फिर आपने इमली का पल्प ऐड करना है ताकि इसका टेक्सचर जो है वो मेकरोनी में हमें मिलता रहे और हम मज़े से चटपटी चटकारेदार मेक्रोनी इंजॉय करें ये देखें अगर आप पहले ही मिक्स कर देंगे तो फिर इसका वो फ्लेवर नहीं मिलेगा हमें ये हमने मेकरोनी साइड पे रखी थी बॉईल करने के लिए ये सब पिंक मेकरोनी हमने ली आपको जो पसंद है जो शेप पसंद है वो ले सकते हैं इसमें हमने एक चम्मच ऑयल का डाले और एक चुटकी सॉल्ट डाले ये हमने मेकरोनी बड़ी अच्छी सी बॉईल हो गई है जूसी सी और ये बिल्कुल चिपक नहीं चाहिए सेपरेट रहनी चाहिए ये देखें अलग अलग एक एक पीस है बहुत शाइन है ये इसमें ऑयल आपने मस्ट ऐड करना है एक चम्मच इसमें ये हमने स्टेनर की मदद से मेकरोनी को हमने स्टेन कर लिया और उसके बाद पानी अलग हो गया और ये अच्छी सी मेकरोनी हमारी कुक होके हमारे सामने आ गई है अब अगला प्रोसीजर जो है नेक्स्ट वो है मिक्सअप करने का तो हमने उस मसाले में जो हमने डन किया था रेडी किया था उसमें हमने मेकरोनी ऐड कर दी ये देखिए जी कितनी यमी और कितनी जूसी सी मेक्रोनी की लुक आपके सामने है उसमें हमने कैचअप भी ऐड की मेयोनीज भी ऐड की ये देखिए हमारी मेकरोनी डन हो गई और इतने मज़ेदार कलर इसके और इतनी गार्निश इतनी मज़े की ये देखे जी आपने ज़रूर ट्राई करनी है और फीडबैक मस्त देना है किल देन टेक केयर अल्लाह हाफिज़ अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अब हम करते हैं अपनी मेकरोनी इंजॉय और आप वीडियो इंजॉय करें उसके बाद मेकरोनी रेडी करें और आप भी इंजॉय करें